स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। यह देखिए एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित संबंधों के कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो परिसर निर्धारित कीजिए। ओके, तो देखिए बहुत आसान चीज़, इसमें परिसर बताना है और रिलेशन। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। एक रिलेशन दिया है R इक्वल टू 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। यह देखिए यह एक संबंध दिया हुआ है, इसमें हमको ये बताना है कि यह संबंध है कि नहीं, एकदम है। देखिए अगर ये डोमेन 2 है तो कहीं भी अगर पहले स्थान पे 2 हो गया तो फलन नहीं होगा, समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, 11 है, ये 14 है, 17 है, तो ये फलन है। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ 2 है फिर यहाँ 2 आ जाता तो फलन नहीं होता, ठीक है। तो यही हमको चेक करना रहेगा। अगर मान लीजिए डोमेन किसी का रिपीट कर रहा है तो वह क्या नहीं होगा, वह संबंध फलन नहीं होगा। ओके, तो लिख लीजिए आंसर में लिखेंगे, चूँकि R में उपस्थित क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव 1 और केवल 1 ही बार प्रथम अवयव के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः संबंध R एक क्या है, एक फलन है। समझ में बात आ गई? हाँ, फिर से समझा दे रहा हूँ। रिलेशन में अगर डोमेन जैसे मान लीजिए 2 है तो अगर 2 रिपीट किया तो फलन नहीं है। अगर मान लो यहाँ 8 लिखा है फिर यहाँ पहले स्थान पे 8 लिख देंगे तो जो रिलेशन होगा वो फलन नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका क्या कह रहा है, देखिए R इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 1 4 2 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 14 7। ये आपका एक संबंध दिया हुआ है। अब आप क्या चेक ये करेंगे कि किसी का डोमेन तो 2 बार रिपीट नहीं किया है, जैसे 2 है तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, तो किसी का डोमेन क्या नहीं कर रहा है, यह जो है डोमेन इसका क्या नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। इसमें देखिए इसका डोमेन लिखना है तो डोमेन भी लिख लीजिए, डोमेन भी पूछा है ना कि वो परिसर पूछ रहा है। परिसर का मतलब होता है सेकंड एलिमेंट। जैसे यहाँ देखिए सेकंड एलिमेंट क्या होगा, ये है परिसर, सेकंड एलिमेंट है 1
सब जगह वन ही है तो परिसर इसका सिर्फ वन होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, चूँकि आर मतलब संबंध, आर में उपस्थित क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव एक और केवल एक ही बार प्रथम अवयव के रूप में क्या हुआ, प्रयुक्त हुआ है। अतः संबंध आर एक फलन है। अब बताइए इसका परिसर क्या होगा। परिसर मतलब सेकंड एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसका क्या हो गया, इसका परिसर हो गया। ओके, तो तीसरा नंबर क्या दे रहा है, तीसरे नंबर पे दिया है, यहाँ देख लीजिए तीसरा नंबर क्या है, लिखा है 1, यहाँ देखिए 1 3 1 5। संबंध आर क्या दे रहा है, संबंध है इसलिए हम आर लिख दे रहे हैं 1 3 1 5 या 2 5 हो गया। ये देखिए यहाँ क्या हो गया, ये 1 1 रिपीट कर रहा है कि नहीं, दो बार आया है कि नहीं है, तो इस क्रमित युग में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, इसलिए यह क्या नहीं है, यह संबंध फलन नहीं है। लिखेंगे अवयव अवयव 1 1, अवयव 1 के बारे में एक हम बात करेंगे, आर के दो क्रमित युग्मों, दो क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अतः यह संबंध क्या नहीं है, फलन नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, रीजन क्या है कि यहाँ देखिए 1 1 फर्स्ट एलिमेंट क्या है, दो बार रिपीट किया है, इसलिए यह क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर लिखिए। क्या लिखना है, प्रांत और परिसर लिखना है। देखिए निम्न लिखित निम्नलिखित वास्तविक फलों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रांत और परिसर हमको लिखना है, तो नंबर पहला एलिमेंट क्या दिया हुआ है, पहला क्या दे रहा है कि f x = -mod x,
और नंबर दूसरा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस ए एक्स स्क्वायर है। आई बात समझ में? अब लिखिए सॉल्व इसका। नंबर फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का क्या मतलब होता है? अगर देखिए यहाँ पहले मॉड एक्स का मतलब होता है कि एक्स का मान अगर निगेटिव है तब भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन उसके पहले अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड एक्स जो है अगर मान इसका पॉजिटिव आता है तब भी निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव निगेटिव रहेगा तब भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे दिया हुआ फलन, यहाँ पर दिया हुआ फलन फलन एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स मॉड एक्स प्रतीक वास्तविक वास्तविक ए एक्स के लिए माइनस मॉड एक्स परिभाषित है तथा अद्वितीय है। अद्वितीय अद्वितीय है अतः अस्पष्ट है कि दिए गए गए फलन का प्रांत बराबर होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आई बात समझ में? अतः r इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। यह देखिए इस नंबर लाइन पे ये अगर जीरो है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पूरा कहीं भी आप रख देंगे इसका कुछ न कुछ मान निकलेगा, क्योंकि माइनस रखेंगे तभी ये पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में? आता है एक्स आता है एक्स एलिमेंट ऑफ आर कोई भी हम सपोज कर लिए यहाँ एक्स लिखा हुआ है उसका एलिमेंट आर के लिए प्रतिबिंब आर के लिए प्रतिबिंब एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में? अतः फलन एफ एक्स का परिसर इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या